हमारे साथ कॉलर हैं धर्मेश जैन वडोदरा से, कपास पर इनका सवाल है। पूछिए धर्मेश। धर्मेश आपको आवाज आ रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कपास के ऊपर लेकिन आपकी राय आस्था जैन क्या होगी? कपास की बात करें और बेसिकली अगर MCX की बात करें तो 884 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है जो कि अनचेंज्ड है। गोइंग फॉरवर्ड कॉटन का जिस तरह से डिमांड निकल के आ रही है उस तरह से लगता है कि यहाँ से तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग बाय कॉल की तरफ ले सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 900 से 920 का। ओके एन प्रसाद, आपका व्यू क्रूड के ऊपर क्या होगा आज के लिए? देखिए काली, आज इंट्राडे के लिए एक बार करेक्शन हो सकता है 3200 से 3120-125 तक, लेकिन अगले हफ्ते क्रूड नया अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा। जो लास्ट वीक का अप ट्रेंड रिज्यूम किया वो मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड में आ गया है, लेकिन आज इंट्राडे एक करेक्शन आ सकता है। आज के लिए करेक्टिव मूव होगा। ओके ठीक है। और नेचुरल गैस में आज क्या करना चाहिए एन प्रसाद? नेचुरल गैस में आज मेरे ख्याल से वो एक रेंज बोर्ड में ट्रेड कर रहा है, बहुत वॉलेटाइल है। अवॉइड किया तो बेहतर है बिकॉज क्रूड में इतना बड़ा रैली होने के बाद करेक्शन हो रहा है, तो अभी शिफ्ट बेस नेचुरल गैस में होगा। थोड़ा बहुत आज एक अवॉइड करना चाहिए। ओके हमारे साथ राजेंद्र हैं अलीगढ़ से, पूछिए राजेंद्र। नमस्कार जय साहब। नमस्कार, पूछिए। आर एन सीड जो है ये जो चल रही है 4500 रुपये के आसपास, ये क्या इसको 2 महीने में 5000 की तरफ देखें या 4000 की तरफ? 2 महीने में मस्टर्ड सीड का आउटलुक आप आस्था जैन क्या देख रही हैं? मस्टर्ड की बात करें तो जब तक ये 4600 का इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं ब्रेक करता है तब तक हमें इसमें बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अगर शॉर्ट टर्म में है तो एक डेफिनेटली यहाँ पे हम बाइंग देख सकते हैं, और जो इसका टारगेट रहेगा वो 4550 से 4580 का रहेगा। लेकिन 2 महीने का आउटलुक है तो अभी थोड़ा सा वेट करें, शॉर्ट टर्म में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में एक तेज़ी आएगी, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। बंसी हैं हमारे साथ, पूछिए। आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, पूछिए सवाल पूछिए। हाँ सर, ये मेंथा का आप लोग जानना चाहते हैं सर। मेंथा बहुत नीचे आ गया मेरे पास सर, 1000 रुपये का खरीद रखा हुआ सर फिटकर में। और सर हेलो, हाँ हाँ ठीक है, सुन रहा हूँ आपको। हाँ और सर ये निकिल के में क्या लग रहा है आने वाले दिनों में सर? आस्था, मेंथा और निकिल के ऊपर क्या आउटलुक है आपका? मेंथा की बात करें इनके लेवल से काफ़ी नीचे ऑलरेडी आ चुका है। मैंने सलाह दूंगी कि कभी भी ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। हाल फिलहाल की बात करें तो एक बाउंस बैक हमने आज देखा है, इसलिए गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा बहुत तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। और अगर इसने 840 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया तो ही मंदी आएगी, इसीलिए थोड़ी सी तेज़ी के लिए ये कॉल ले सकते हैं 890 के टारगेट के लिए। निकल की बात करें तो मैं इसमें तेज़ी की सलाह दूंगी और इसका जो टारगेट रहेगा वो 719 से 720 का रहेगा। ओके एन प्रसाद, मेटल में आज के लिए आपकी टॉप पिक क्या है? मेरा मेटल में टॉप पिक होगा कॉपर, जो 326-27 चल रहा है ले सकता है। 323 का स्टॉप लॉस है, 331 का एक टारगेट है। मदन है पटियाला से, पूछिए मदन। हेलो जी, पूछें। मैं ये बोल रहा हूँ जो बराबर में भाव आ रहे हैं टेलीविजन पर, ये कल क्या आ रहे हैं, आज के क्यों नहीं आ रहे? किस पर सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? ग्वार का भाव है तीसरे, ग्वार के बारे में आप जानना चाहते हैं, बताएं आस्था। ग्वार की बात करें और आज के सेशन की बात करें तो हमने तेज़ी इस काउंटर पे देखी है। गोइंग फॉरवर्ड मैंने सलाह दूंगी जब तक कि ये 3600 का इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं करता बड़ी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट 3500 और के नीचे अगर ये गया तो हमें 3350 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉलर मनीष हैं गुजरात से, पूछिए मनीष। हेलो जी, पूछें। हाँ मेरा सवाल है, मेरा जिंक एक्सेल है 53 से और एक लीड 31 से। ठीक है, जिंक के ऊपर क्या व्यू है प्रसाद आपका? इन्होंने भी क्वारी की है।
क्या रेट पे बिकवाली किया है उसके ऊपर डिपेंड है। आप आउटलुक बताएं क्या लग रहा है आपको, क्या रेट पे बिकवाली किया इन्होंने? कि आउटलुक तो बुलिश है, सारा बेस मेटल्स का आउटलुक बुलिश है। हाँ। तो इसलिए लेकिन एक करेक्टिव 160-161 का एक रेसिस्टेंस भी है जिंक में, इसलिए मैं बोल रहा था बहुत ऊपर में बेचा है तो थोड़ा एक स्टॉप लॉस का वेट करें, बहुत नीचे बेच लिया ऑलरेडी लॉस में है तो काट देना चाहिए। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। एन प्रसाद आपकी पहली कॉल क्या होगी? मेरी पहले कॉल होगा बाई गोल्ड अराउंड 31,100 to 125 का रेंज में बाई करें और 31,030 का स्टॉप लॉस रखें और 31,400 का टारगेट। और आस्था आपकी कॉल? नेचुरल गैस में सेलिंग की सलाह रहेगी, टारगेट रहेगा 194 से 192 का। आपकी आखिरी कॉल एन प्रसाद? मेरा आखिरी कॉल होगा सिल्क क्रूड ऑयल अराउंड 3195 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3205 और टारगेट ऑफ 3120।